अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो बड़े ही कमाल की होने वाली है, जिसमें आप 14 अगस्त की पिक्चर वगैरह अपनी बना सकते हैं। बड़े ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर हम डेली बेसिस पर नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब भाइयों को 14 अगस्त मुबारक। जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको 14 अगस्त मुबारक। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्ले स्टोर से कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है वो मिलेगी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाएँ, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर साइड बार में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जैसे फ्रेम पर क्लिक किया, अगर मैं फ्रेम चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके फ्रेम जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ से कोई एक उठा लेता हूँ। मेरी पिक्चर जो है वो इतनी खासी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, ताकि आप भाइयों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैंने जो है ये सिलेक्ट कर ली, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। तो इसके बाद आप क्या करना है, हमने लगानी है पिक्चर। यहाँ पर मैंने क्या पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर जो है यहाँ से गैलरी से उठा लेता हूं। तो यहां पे मैं गया गैलरी में और यहां से मैंने अपनी पिक्चर उठाई। पिक्चर उठाने के बाद यहां पे मैंने इसको लगाना है। तो इसका साइज़ जो है वो भी आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहां पे साइज़ भी मैंने यहां पे ठीक कर लिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं, बाकी अगर आप इधर इस तरह से करना चाहें पिक्चर को तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से रोल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी चीज़ आप इसमें करना चाहें। उसके बाद आप कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह की इमेज लगी हुई है उसी तरह का पिक्चर का भी कलर हो रहा है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये अभी फिक्स हो गई। इसके बाद आप यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर ये वाला लगाना चाहूँ तो ये भी आप कहीं पे भी जगह बना के इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर साइज़ में छोटा करना चाहें तब भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैंने लगाया इसको, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ये लग गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको करना है शेयर पे क्लिक। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है वो सेव हो रही है। तो पिक्चर जो है वो सेव हो चुकी है। अभी मैं आपको गैलरी में चल के जो है वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सेव पर भी क्लिक करके जो है सेव भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेयर पे भी आप सेव कर सकते हैं और सेव के बटन पे भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो वापसी चलते हैं, मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ और चेक कराता हूँ। आपने बताना है कि आपको ये जो है कैसी लगी। तो यहाँ पे आया वापसी, इमेज पे मैंने क्या क्लिक, इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो बन चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपने कमेंट करके नीचे बताना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर किस तरह से लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और सब दोस्तों को मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक।